एक अरसे बाद मैं इन रास्तों पर वापस आया हूँ। एक अरसे बाद मैं उत्तराखंड के इन पहाड़ों से मिल रहा हूँ। सड़कें चौड़ी हो गई थी और काफ़ी कुछ बदल सा गया है। नज़रें इस नए उत्तराखंड को देखने में लगी हुई थी, पर मेरा दिल और दिमाग केदारनाथ रूट पर पड़ने वाली सबसे खूबसूरत जगह के बारे में सोच रहे थे। देवप्रयाग। देवप्रयाग में आप अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा को बनते हुए देखते हैं और ये नजारा काफी खूबसूरत है। चाहे दिन हो, रात हो या शाम, देवप्रयाग की खूबसूरती कम नहीं होती। तो थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ के लिए निकले हैं। येस, इट्स केदारनाथ अगेन, बट दिस टाइम आई हैव अ डिफरेंट सर्कल ऑल टुगेदर। जो राइड है वो ट्रैक नहीं होगा, वो हेलीकॉप्टर राइड होगी। एंड आई फील कि जब भी आप इस ट्रिप के लिए आते हो, स्पेशली टू उत्तराखंड, तो उस ट्रिप की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो देवप्रयाग से होना चाहिए। देवप्रयाग क्यों? क्योंकि देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है, अलकनंदा एंड भागीरथी, और यहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है। अब मैं पूरे गैंग को फटाफट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, उसके बाद हमें आगे की जर्नी कंटिन्यू करनी है। तो लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस टू द गैंग। जॉली, हाय, मोनिका, पंकज, अलका, ज्योति, अखिलेश, हर हर महादेव, एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यार ऑन ट्रैवल। देवप्रयाग से निकलने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन थी रुद्रप्रयाग। सड़कों की अच्छी कंडीशन और श्रीनगर का अमेजिंग व्यू एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे और हम अपनी एक परफेक्ट प्लानिंग को सेलिब्रेट करने ही वाले थे कि तभी ओके, सो द क्विक अपडेट इज वी आर अबाउट टू रीच रुद्रप्रयाग, बट उससे पहले लगा हुआ है काफ़ी लंबा जाम। इट्स बीन ऑलमोस्ट लाइक एन आवर हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। तो वी जस्ट थॉट कि थोड़ा वॉक ही कर लेते हैं, बिकॉज इवनिंग का वेदर बहुत ज़्यादा प्लेजेंट हो रखा है। बट येस, इन केस अगर आप इस साइड पे आते हो तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप रुक सकते हो, थोड़ा मील्स इन्जॉय कर सकते हो। पहला ऑप्शन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप डे टाइम पे हो, देन ब्यासी इज़ द ऑप्शन जहाँ पे आप अपना लंच कर सकते हो। द सेकेंड ऑप्शन इज़ देवप्रयाग अगेन, बिकॉज वहाँ पे संगम है। द थर्ड ऑप्शन, जो कि काफ़ी बिग टाउन है इस पूरे रूट में, दैट इज़ योर श्रीनगर। तो ये मेजर स्पॉट्स हैं। उसके बाद अगर इवनिंग हो गई है, देन यू शुड टेक अ नाइट हॉल्ट अराउंड लाइक रुद्रप्रयाग, और उसके बाद अगले दिन आप मॉर्निंग में अपनी जर्नी टूवर्ड्स केदारनाथ या सोनप्रयाग, गौरीकुंड की तरफ कंटिन्यू कर सकते हो। अभी ट्रक को पास ऑन दे दें, क्योंकि आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा होगा इसीलिए।
गुड मॉर्निंग फ्रॉम रुद्रप्रयाग. वेल, कल हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिल गया था श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के रूट पे, तो वी जस्ट थॉट ऑफ कि हम रुद्रप्रयाग में ही स्टे कर लेते हैं. देर इज़ नो पॉइंट नाइट में ड्राइव करने का. एंड आज का प्लान ये है कि अब हम लोग जाएंगे फाटा और सरसी. वहाँ से हमारा हेलीकॉप्टर राइड बुक है. अराउंड 6:30 AM मॉर्निंग हो रहा है. एंड जो व्यू है रुद्रप्रयाग का होटल विजयराज से, वो मैं आपको दिखाता हूँ. सो बाकी के टीम मेंबर रेडी हो रहे हैं, आधे लोग रेडी हो चुके हैं, एक आधा कोई बचा है. सो वी आर वेरी मच ऑन टू द टाइम. सो फटाफट जाते हैं, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद आई विल सी यू ऑन द रोड. लेट लतीफ, 5 से 6 लोग सुबह 6 बजे के रेडी हो रहे हैं. इनका भी ब्रेकफास्ट चल रहा है और भी रेडी भी होंगे. यार मैं अभी वो, अरे वो बड़े लोग हैं यार, हम सामान पैक कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं. वो रहा हमारा कंप्यूटर, लेट मी शो यू द अदर रूम. ऑल इज रेडी. यस आई एम रेडी. रेडी? यस. सो एवरीबडी इज रेडी. विद इन 15 मिनट्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सरसी और फाटा. दो लोगों की बुकिंग फाटा से है, 3 या 4 लोगों की बुकिंग सरसी से है. बस उम्मीद बस इतनी है कि जो हमें जो टाइम स्लॉट मिला है 12 से 3 बजे का, हम उसे थोड़ा सा पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे. एंड वी विल रिक्वेस्ट कि अगर ज़्यादा भीड़ नहीं है तो हमारा स्लॉट थोड़ा सा पहले कर दो, ताकि हम केदारनाथ जी थोड़ा सा पहले पहुँच जाएँ. तो ये रहे हमारे सिकंदर भैया जो हमें लेके जाएंगे. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. और ये रहा हमारा टेम्पू ट्रैवलर. सो या लेट्स सी कितनी जल्दी हम यहाँ से निकलते हैं. थोड़ा सा पंप करना पड़ेगा इन लोगों को, वरना ऐसे निकलेंगे नहीं ये रूम से बाहर. तो चलो चलो चलो. हेलो. फाटा सरसी, फाटा सरसी, फाटा सरसी. फ्लिप फ्लिप फ्लिप. अभी तक सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे हमने प्लान किया था. एक अर्ली स्टार्ट, स्मूथ रोड्स, जीरो ट्रैफिक और मंदाकिनी नदी का ब्यूटीफुल व्यू. परफेक्ट एग्जीक्यूशन था ये. और इसका कुछ क्रेडिट हमारे ड्राइवर सिकंदर को भी जाता है, जो कि टाइम से पहले रेडी था. जैसे जैसे हम केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे थे, सब कुछ अपने आप होते जा रहा था. हम टाइम से पहले चल रहे थे, वो भी बिना किसी रुकावट के. प्लानिंग तो हमारी थी, पर उसे एग्जीक्यूट भोलेनाथ कर रहे थे. हर हर महादेव. जय शिव शंकर. हर हर महादेव. जय शिव शंकर. हर महादेव. जय शिव शंकर. ओके, सो द क्विक अपडेट इज, हम सरसी से हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं. रीजन हम यहाँ पे क्यों रुके हैं, आई विल शो यू. सो नाउ द क्विक अपडेट इज कि जो मैंने आपको बताया कि सरसी से हम लोग 5 किलोमीटर की दूरी पे हैं और वहाँ से हमारा हेलीकॉप्टर बुक है. सो विल बी टेकिंग दैट एंड विल बी गोइंग टू केदारनाथ. अब इसके साथ में एक जो क्विक अपडेट मैं आपको ये देना चाहूँगा कि सबसे मेजर सवाल आता है कि रोड कंडीशन कैसी है. ऋषिकेश से लेकर के सरसी तक का जो रोड है, स्पेशली कुंड, मैं बोलूँगा सरसी नहीं, कुंड तक का जो रोड है वो एकदम सही है. बीच में कुछ पैचेस हैं जहाँ पे रोड कंडीशन आपको सही नहीं मिलेगी, बट ओवरऑल देखा जाए तो 85% और 90% रोड्स आर लाइक वेरी गुड. कुछ पैचेस हैं उसमें आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा. उसके बाद जब आप कुंड से क्रॉस करके टूवर्ड सोनप्रयाग आते हो, वहाँ पर रोड जो है थोड़ा सा नैरो है और वहाँ पर आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा.
तो ये अभी तक के क्विक अपडेट्स हैं। विद इन लाइक 20 मिनट्स हम सरसी पे पहुंच जाएंगे, जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हम करेंगे, वो सारा मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो इसी के साथ यारों को सलाम, दुश्मनों को प्रणाम, यहाँ लगाते हैं पूर्ण विराम। लाइक ऑन फेसबुक, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब, फॉलो ऑन इंस्टा, एंड डू रिमेंबर, एंड इज ओनली द बिगनिंग ऑफ न्यू जर्नी। फिर मिलेंगे।